वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारतीय खुदरा व्यापार में संगठित एवं असंगठित दो तरह के खुदरा कारोबार चल रहे हैं। संगठित खुदरा कारोबार में पूर्व निर्धारित नियमों एवं विदेशी निवेश के मानदंडों का पालन किया जाता है, जबकि असंगठित खुदरा कारोबार इन सब से मुक्त रहता है। भारतीय खुदरा व्यापार में 90% से ज़्यादा भागीदारी असंगठित खुदरा कारोबार की है। देश में संगठित खुदरा कारोबार का प्रवेश 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ, जो वर्तमान समय में भारत के विभिन्न शहरों में मॉल, सुपरमार्केट, समाचार मार्केट, डिस्काउंट स्टोर आदि रूपों में देखे जा सकते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से खुदरा व्यापार क्षेत्र में होने वाले लाभों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। बड़े पैमाने पर देशवासियों को रोजगार की प्राप्ति, टेस्को, वॉलमार्ट, कारफोर, मेटो आदि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के भारतीय खुदरा बाजार में प्रवेश करने से रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और भारत के युवा वर्ग को बड़े स्तर पर नौकरियां प्राप्त होंगी। अकेले वॉलमार्ट ने ही भारत में 40 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की बात कही है। ऐसे में खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश बेरोजगारी दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कृषकों की आय में वृद्धि। खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश में 30% उत्पाद की स्थानीय खरीदारी की अनिवार्यता किए जाने से भारतीय कृषकों को लाभ पहुंचने की संभावना है। विदेशी कंपनियों के हाथों कच्चा माल बेचने पर किसानों को अच्छी आय की प्राप्ति होगी। विदेशी निवेश के माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा, जिससे कटाई के बाद होने वाले फसल नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य भी मिल सकेगा। विदेशी कंपनियों के द्वारा खाद्य भंडारण, गोदाम व कृषि बाजार उत्पाद के लिए ढांचागत सुविधाएं प्राप्त होने से किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। ग्राहकों को चयन का विकल्प मॉल, सुपरमार्केट, डिस्काउंट स्टोर जैसे संगठित रिटेल के आने से ग्राहकों को खरीदी जाने वाली सामग्रियों के विकल्प की सुविधा प्राप्त होती है। वे अच्छी तरह सोच समझकर अपनी पसंद की वस्तुएं खरीद पाते हैं। दलालों से किसानों को मुक्ति। विदेशी निवेश के माध्यम से किसानों का सीधा संपर्क कंपनियों से हो सकेगा, फलस्वरूप उन्हें उन दलालों से छुटकारा मिल जाएगा जो उनके लाभ का एक बड़ा हिस्सा उनसे छीन लेते हैं। खुदरा बाजार में विदेशी निवेश से एक ओर निवेशक देशों को अच्छी आय की प्राप्ति होती है,
तो दूसरी ओर निवेश किए जाने वाले देश के विकास में भी सहायता मिलती है। वर्ष 2013 में ब्रिटेन द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 89 भारतीय FDI परियोजनाओं से ब्रिटेन में 7,000 से अधिक नौकरियों के सृजन में मदद मिली, जिससे भारत ब्रिटेन में चौथा सबसे बड़ा विनिवेशक राष्ट्र बन गया। इस सूची में लगभग 400 परियोजनाओं के साथ ब्रिटेन में लगभग 50,000 रोजगार सृजित कर अमेरिका प्रथम स्थान पर है। वर्ष 1914 में सिंगापुर से प्रकाशित की गई पुस्तक द सिल्क रोड डिस्कवर्स के अनुसार वर्ष 2025 तक चीन से भारत में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़कर $30 अरब तक पहुंच सकता है। देश में FDI का प्रवाह बढ़ने से रोजगार की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ वैश्विक व्यवहार को अपनाने का अवसर भी प्राप्त होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में अप्रैल 2000 से अप्रैल 2014 तक ई कॉमर्स क्षेत्र में $3.71 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। स्टॉप।